इसमें बनाओ, सब लोग ऐसा बनाओ, एक आड़ी लाइन एक खड़ी लाइन, सब लोग बनाओ, ऐसे ही बनाओ। कलम किसके पास नहीं है? है कलम? मिल गई? हाँ ठीक है, ये हमने बताया वैसा बनाओ। एक खड़ी लाइन बनाना है, एक आड़ी लाइन, पूरी पट्टी भर के चाहिए हमको, पूरी पट्टी भर के। जल्दी बनाओ, आपके पास है कलम? ऐसे बनाना, एक लाइन खींचना है यूँ, एक लाइन खींचना है यूँ, फिर एक लाइन यूँ खींचना है, फिर एक लाइन यूँ खींचना, और फिर एक ऐसे खींचेंगे। ठीक है, सब लोगों की पट्टी में बन रही है। एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन, फिर आड़ी बनाई और खड़ी वाली दो, यहाँ देखो ऐसे बनाना, फिर आड़ी बनाई और खड़ी वाली दो, फिर आड़ी बनाई और खड़ी वाली दो, ऐसे बनाओ। अगर मैं अपने इस हकीकत के स्कूल को देखूं तो यहाँ पर लगभग 150 बच्चों को एक दो तीन कमरे के स्कूल में संभाल कर बैठा हुआ मैं, उनकी हाजिरी लेना, उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाना, बच्चों का शोरगुल, उसी के बीच में पढ़ाई जैसे कुछ कुछ उनकी किताबों के साथ काम करना, इस पूरी में इतनी असहायता और असहजता मुझे लगती रही कि हर बार बच्चे भी वो 4 बजे की घंटी का इंतज़ार और मुझे भी 4 बजे की घंटी का इंतज़ार रहता था कि कैसे इस सबसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि इसमें आप कितना ही हाथ पैर चलाने का मन करें कुछ खास होता नहीं था। सुनो भाई, जो बना रहे थे ना स्लेट में, सबने अच्छा बनाया है, पर अब ऐसे बनाना है, एक लाइन आड़ी और दो लाइन खड़ी बनाएंगे, दिख रहा है सबको, फिर एक लाइन आड़ी। ये जो खिन्नता का या क्या करूं क्या ना करूं वाला जो दौर है, इस पूरे प्रकरण में मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता मुझे नज़र आए। तो जब मैं शांत मन से इस पूरी परिस्थितियों पे सोचा करता था कि किस रास्ते को मैं चुनूं, क्योंकि मैं उस पूरे जो अव्यवस्थाएं थी उससे उबरना चाहता था, फिर मुझे अनुभव हुआ कि क्या वास्तव में मेरी कक्षाओं में कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। वो स्लेट के साथ कलम के साथ होते थे, उनके पास किताबें होती थी जिसकी कई पार्ट कविताएं तो उन्हें याद हुआ करती थी, जिसको वो गाया करते थे। कक्षा 2 के कुछ बच्चे जोड़ घटा के सवाल कर रहे हैं, जबकि मेरी ये उम्मीद थी कि ये तो कक्षा 4 या 5 के बच्चों को आना चाहिए। इस साइड बनाओ आड़ी, है ना, अब खड़ी कितनी बना रहे हैं? 2 खड़ी, यहाँ देख के बताओ, यहाँ अब कैसे बनेगी, आड़ी बनेगी कि खड़ी बनेगी? आड़ी, हाँ ये बनी हमारी आड़ी लाइन, अब खड़ी बनेगी कि आड़ी बनेगी? खड़ी। कितनी बनाना है? 2 ये 2 बना दी, आप कैसे बनाए, आड़ी बनाए या खड़ी? आड़ी बनाए, आड़ी बनाए, ये दो आड़ी बना दी, आप कैसे बनाना है? खड़ी। कितनी बनाना है? 2 आप कैसे बनेगी, आड़ी या खड़ी? आड़ी बनेगी, ये आड़ी बन गई। आप यहाँ पे कैसे बनाए, एक कैसे बनाए, आड़ी बनाए, चलो उसके बाद खड़ी या आड़ी? खड़ी। कितनी बने? 2 ये बना दिया। आप अब आगे आप बनाओ, आप कैसे बनेगी, इसके आगे बनाओ, ये वाली इससे बनाओ,
यहाँ कैसे बनेगी? सही बना? यहाँ देख के बताओ, यहाँ पे स्लेट पे सही बना या गलत बना? गलत बना। तो सही कैसा होगा? सही कैसा होगा बताओ, सही करो इसको, सही करो इससे। ये चाक है तुम्हारे पास, किसको मिटाना पड़ेगा? हाँ मिटाओ, कैसे बनेगी? अच्छे से मिटाओ, अच्छे से, अच्छे से बिल्कुल साफ कर दो। कैसे बनेगा? हाँ हाँ, आप इसके बाद कैसे बनेगा? हाँ, और इसके बाद? हाँ, फिर अब इसके बाद कैसे बनेगा? ये बनाइए, अब इसके बाद कैसे बनेगा? इसके बाद कैसे बनेगी? देख के बनाओ पहले, कैसे बनेगी? यहीं से इसी लाइन को आगे बढ़ाना है। ये सही है या गलत है? ये तो कह रही गलत है। क्या गलती हुई, क्या गलती हुई? अच्छा तुम एक काम करो, यहाँ से बनाना चालू करो, बनाओ। फिर ऐसी बनी हुई है लाइन, है ये लाइन ऐसी बनी हुई है। इधर देखो, अब मैंने ये बनाऊंगी, अब बनाओ। हर कक्षा का बच्चा अलग अलग बैठा होगा और उनमें आपस में दो कक्षाओं में दूरियां होंगी, उनके आपस में कोई संपर्क नहीं होंगे, क्योंकि एक शिक्षकी शाला होने के कारण बहुत नियम से ये बना हुआ नहीं रह सकता था। तो ये होता था कि मेरी कक्षाओं के बच्चे आपस में मिलजुल कर काफ़ी बैठने लग गए थे। मुझे लगा कि ये जो सीखना सिखाना हो रहा है शायद इस वजह से है कि ये जो छोटे बच्चे हैं वो सीखे हुए बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, और कक्षा में मेरी अनुपस्थिति के कारण जो बच्चों में आपसी वार्तालाप हुए या आपस में जो पढ़ने पढ़ाने के अभिनय हुए उसके द्वारा जो सीखना सिखाना हुआ उसको आधार बनाया जा सकता है सीखने का। कि कक्षा की दीवारें अलग अलग कमरे में बच्चों को बैठाने की व्यवस्थाएं जिसको कम करती है, इस अजूबे अवलोकन से ये जो मेरी समझ थी कि शिक्षक ही बच्चों को सिखा सकता है वो समझ की जड़ें हिल गई, क्योंकि यहाँ जो सीखना सिखाना हुआ वो मेरे द्वारा नहीं हुआ था। तो यहाँ से मुझे एक बिल्कुल नई दिशा मिलती है और यहाँ से एक पूरा नया शिक्षक मेरे अंदर उभरता है जो उन जड़ों को तोड़ रहा होता है, जो उस पूरी समझ को जिसको वो लेके आया है। ये बच्चे हैं जो तेंदू पत्ता भी तोड़ते हैं, जिनसे उन्हें कमाई भी होती है, वो खेत में काटने भी जाते हैं, वो गाड़ी बैल चलाने में भी उतने ही दक्ष है जितना उनके पिता हैं, या घर के और जिम्मेदारियां माताजी जो गोबर डालती है वैसे ही बच्चे भी सारे काम करते हैं। तो वो काम का कहीं विभाजन उस तरह का है नहीं उनमें, उनको बच्चा मान के जिस तरह की हमारी शिक्षण पद्धतियां रही है कि एक बड़े की चीज़ को बहुत सहज बहुत सरल करके और जिसमें बहुत कम सोचना पड़े उस तरह से प्रस्तुत जब भी हम करते हैं तो एक विकलांगता या वो लगता है कि वो चीज़ उनकी है ही नहीं। आपके पास केवल छह चीज मिलनी चाहिए हमको, केवल एक चीज होना चाहिए लकड़ी की, दूसरी कोई प्लास्टिक की, कागज की, कांच की, लोहे की। अपने अपनी कापी में एक काम कर लो कि आपके घर में आप
कितने भाई बहन हैं, भाइयों की संख्या, बहन कितनी है वो लिखना है, गाय आपके यहाँ कितनी है, भैंस कितनी है, बकरी कितनी है, ये इनकी संख्या सब लोग अपने अपनी कॉपी में लिख लो, फिर सबके सूची बनाएंगे अपन। एक काम करना है, आपने जो चीजें लाए हैं उनकी सूची बनानी है, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में सूची बना लो कि आपने क्या क्या चीजें लाए, नाम लिखना है उनके। पन्नी लेके आया है किसी ने, तो पन्नी लिखेगा, कोई लकड़ी लेके आया है। कागज। पिंकी यहाँ बैठेगी, बीच में बैठ जा, बीच में बैठ जा, यहाँ पे, हाँ यहाँ बैठ जा, यहाँ ऐसे तुम भी इधर मुँह कर लो, पट्टी रख दो, पट्टी रख दो, यहाँ ये वाला खेल खेलना है, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ ठीक से बैठ जाओ, एक मिनट शांत हो जाओ, पहले खेल तो समझ लो कैसे खेलना है। ऐसा एक पत्थर लेना है कोई भी, है ना, जिसकी चानस हो वो पत्थर इस पे गिराएगा, है ना, इस गोले के ऊपर पत्थर गिराना है, और वो पत्थर जिस भी अंक पे गिरेगा उतने पत्थर निकाल के अपने पास में रखने, जितना आ रहा है उसमें से निकाल के अपने पास रख लो, ये अपने पास रख लेगा, अब ये इसके पत्थर हो गए, यहाँ रख ले, वहाँ दो टाट पट्टी बैठो, बाकी इधर बैठो यहाँ पे, हाँ ऐसे गोले में बैठना है। अब ये दो लड़कियाँ और सामने की दो लड़कियाँ, अब आपने जो सूची बनाई है ना, पहली सूची में पहला कालम क्या होगा, नाम का, और नाम कितने होंगे आपके समूह में जितने लोग हैं, है ना, पांच लोग हैं ना, पांच लोगों के अपने अपने नाम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भाई, भाई की संख्या, फिर दूसरी बहन की संख्या, कुल सदस्य घर में कितने हैं इनकी बनाएंगे सूची, ये सबकी एक सूची बनेगी, सबकी सबके कॉपी में बनेगी और सबकी सूची बनेगी, इसलिए गोले में बैठाया है सबको कि आपस में पूछ के ही पता चलेगा। ये जो बच्चों का फर्क है, शहरी बच्चों का और ये मैं जिन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ उनका, वो मुझे प्रेरित करता है कि उनके बीच में जो काम दे रहा हूँ वो वैसा ही हो जो उनके अनुरूप हो, उनके चरित्र के अनुरूप हो, मतलब वो पूरी जिम्मेदारी वाला हो, वो दूसरे के द्वारा निर्धारित जैसा कि पाठ पुस्तकों में लिखा गया है या वो गतिविधियाँ जो कहीं और कामयाब होती हैं वो इन बच्चों के साथ नहीं चलती। अपनी अपनी सूची देख के बताना है आपको, हाँ तो हर ग्रुप से पूछेंगे, पांच पांच से ज्यादा और सात से कम वाले कितने परिवार हैं, पांच और सात के बीच में सदस्य संख्या है इस समूह में है किसी का, कितने हैं, सात है, और किसी समूह में, इस पूरे दौर से मैं केवल इतना सीख पाया हूँ कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो खुद से सीखते हैं, हम उन्हें सिर्फ परिस्थितियाँ दे सकते हैं, माहौल दे सकते हैं। छह सदस्य वाले परिवार किस किस के हैं इससे पता चल रहा है हमको, कितने परिवार हैं, कितने परिवार हैं, और कौन कौन के परिवार हैं, संपी, पंडू, अनीता, सुशील। अब हम सात सदस्य वाले ढूंढेंगे जिसमें सात सदस्य है, सुशील के परिवार में कितने सदस्य हैं, छह, और दसौंधी के परिवार में, सात, सूची देख के पता चल रहा है। तो अब हर ग्रुप ये बनाएगा, इसी तरह आया था सदस्य संख्या वाला, वैसे आप भाई बहन वाला बनाओ कि दो भाई बहन वाले कितने परिवार हैं, तीन भाई बहन वाले कितने परिवार हैं, और ये जब बन जाएगा तो फिर अपन ग्राफ पे बनाना सीखेंगे। क्या करना है, अभी तो आपने सबने अपनी अपनी सूची बनाई थी, ठीक है ना, सबने अपनी अपनी सूची बनाई थी, अब ये करना है, सबका सामान बीच में रखा हुआ है, इसमें से प्लास्टिक की क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं,
तो लोहे में जो जो सामान है आपके पूरे ग्रुप में वो लिखना है इधर, अपने ही नहीं पूरे ग्रुप में। संदीप के समूह में प्लास्टिक की कौन कौन सी चीजें हैं सब बताओ, प्लास्टिक की कौन कौन सी चीजें हैं? गिलास है और क्या है प्लास्टिक का? प्लास्टिक का बताना है अभी। अब नहीं सर, और कुछ नहीं है। कागज, प्लास्टिक की चीजें केवल, प्लास्टिक की और क्या चीज है? नहीं है सर प्लास्टिक है। गिलास है और मनचली का पाउच है और पन्नी है। पन्नी कहाँ है बताओ? पन्नी है, ये भी पन्नी है और क्या है? चॉकलेट की पन्नी है जी। और प्लेट है सर। प्लास्टिक की बताना है अभी केवल प्लास्टिक की। प्लास्टिक की एक जगह रख लो, प्लास्टिक की कौन कौन सी चीजें हैं वो एक जगह रखो, सब लोग मिलके सबके पास जो जो प्लास्टिक की है वो एक जगह रखो। हाँ सब फंसा दो, एक में एक फंसा दो। गिलास ही है और प्लास्टिक का क्या है? और क्या है प्लास्टिक का? ये पेन काय का है, ये टूटा वाला हाँ काय का है ये? तो रखो उसको भी वहीं रखो। और क्या चीजें हैं प्लास्टिक की? बस इतनी चाहे। चलो तो प्लास्टिक की इतनी चीजें हो गई। अब लोहे की क्या चीजें वो अलग रखो। चार या पांच बच्चों का हम जो समूह बना रहे हैं उसमें आपस में बच्चे एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे से जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो जो एक दूसरे से सीखना जो है, क्योंकि अब वहां पे मेरे जैसे पांच लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, वो जो निर्देश मुझे देने हैं या जो बातें मुझे बतानी है वो आपस में बट रही हैं, बच्चे एक दूसरे को बता रहे हैं। अगर कहीं कोई बच्चा गलत कर रहा है या किसी और दिशा में जा रहा है तो वो वापस उसको उसी जगह पे ले आ रहे हैं। तो ये जो बच्चों का आपस में सीखना सिखाना है ये काफ़ी हद तक इसमें हो पाता है। अब लकड़ी की अलग करो, दूसरी कापी पे लकड़ी की रखो। कागज ठीक है, तो इसी तरह बाकी समूह की भी बनेगी। जब इस तरह से पांच कक्षाओं में आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना है तो या तो आप डंडे से काम चला सकते हैं और उसके अलावा अगर कुछ सोचना है तो फिर ये देखना होगा कि कुछ तो स्वतंत्रता क्लास में बनी रहे। वो हल्ला जो आप अराजकता देख रहे हैं, जब भी आप दूसरी दिशा में सोचते हैं तो फिर इस हल्ले के साथ, इस पूरी अराजकता के साथ किस तरह से आप चल सकते हैं वो आपको सोचना होगा। वो लगता है कि कैसे आप छोटी छोटी चुनौतियाँ बना सकते हैं। किताब के साथ जब भी आप चलेंगे आप बहुत आगे लंबे समय तक नहीं जा सकते, एक पार्ट दो पार्ट आके रुक जाएगा। तो फिर आपको सोचना चाहिए पड़ेगा कि बच्चों के जो अनुभव हैं, बच्चों का जो ज्ञान है वो इस पूरे पाठ्यक्रम के साथ जुड़ के कैसे काम कर सकता है। ऐसे आंकड़े लिखें, अगर हम इसको चित्र में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? इस पे अगर हम परिवार दिखलाएं तो ये इस पे नंबर डाल दें 8 9 9। अब पांच सदस्य वाले कितने परिवार हैं?
तो ये लाइन कहाँ तक जाएगी? इधर मैं उसको गिनूंगा, परिवारों को, ठीक है? तो मैं ये लाइन को कहाँ तक बनाऊं, कितने तक बनाऊं? कितने परिवार है 5 सदस्य वाले? तो मैं उसको कहाँ तक बनाऊंगा? 4 तक। अब 6 सदस्य वाले कितने हैं? जब मैं माइंस में काम कर रहा था तो मुझे करीबन 4-6 किलोमीटर जमीन के नीचे उतरना होता था। आज मैं अगर मैं देखता हूँ कि मैं उस काम को छोड़कर जो सुविधा के नाते शिक्षा में आया था वो कहीं मुझे शिक्षा में बैठे बैठाए मिली नहीं, तो धीरे धीरे पता नहीं कैसे ये सब कुछ चालू हुआ कि मैं शिक्षा में उन गहराइयों में उतरते गया जो मुझे मजा दे सकती थी। 3 परिवार, 3 कहाँ लिखा है? इधर वहाँ तक लाइन जानी चाहिए, उसकी सीट तक के। वो तो 9 वाला है, 10 वाला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 3 तक लाइन जानी चाहिए। मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? अब कितने किसमें कितने सदस्य है हमको नहीं मालूम, चित्र देख के आपको भरना है कितने परिवार हैं। चलो फूलकली चित्र देखो और ये परिवार की संख्या हमने जो मिटाई है वो सही करके लिखना है। पहले चित्र में जाना है, पहले चित्र के पास जाना है, पहले चित्र के पास, वहाँ समझो कितने हैं 5 सदस्य वाले और फिर जाके लिखो। सही है, ताली ताली। चलो अब संपी के बाद कौन है? शर्मिला जाएगी, शर्मिला जाएगी चित्र में, पहले देखेगी कितने हैं 6 सदस्य वाले। सही है, उसको 2 जैसे हाँ नहीं तो उसको पहले बताओ, तो वहाँ जाके बताओ क्या गलत कर रही। 6 सदस्य वाली लाइन कौन सी है? हाँ वो है, तो वो कहाँ तक गई है मिलाओ जरा। हाँ मिला के देख लो कहाँ जा रही है। 2 तक जा रही है, फिर तो ठीक लिखा उसने, सही है। चलो हटाओ, 7 वाली देखो। अब लाइन ऐसी बना के देख लो, ये इसने आड़ी बनाई ना, वैसी बना के देख लो कहाँ मिल रही है। हाँ ये हो गई बात, बढ़िया। कितने सदस्य पता चल गए, अब लिख के आओ। हाँ उसको ही बराबर कर दे, सही है, ताली ताली। कितने वाला लिख रही है? उसके पीछे कहीं ये उद्देश्य है कि मैं ग्राफ कैसे पढ़ते हैं या तालिका कैसे पढ़ते हैं इस ओर ले जाऊं, तो किताबों में सीधी सीधी तालिकाएं हैं उनको पढ़ना है। मैं चाहता था कि इसको बच्चे अपने संदर्भ में, अपने परिवार के संदर्भ में उस विषय वस्तु को लेके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं उस तालिका को बिल्कुल अनूठे ढंग से कहीं से किताब से उठाऊंगा तो पूरे समय मैं वहाँ बना रहना, मेरी मौजूदगी जरूरी हो जाएगी। तो विषय वस्तु मुझे ऐसी ढूंढनी पड़ती है कि बच्चे आपस में उसको कर ले जाएं। मजा आता होगा इनका, तो कभी भी आ जाते होंगे डैम पे। हाँ, कभी भी आ जाते होंगे। तो तुम बाला की बहू हो? हाँ। और वो बाई ये इनके यहाँ की, वो इसके भंगी पटेल के यहाँ थी, वो अभी कहाँ रह रही? यहीं पे। यहीं पे। हाँ। उसको कोई हिस्सा मिला उसके भंगी के यहाँ से कि तुम्हारे यहाँ से इधर?
नहीं मिला। इधर से भी नहीं दिया कुछ उसका, उधर से भी नहीं, नहीं। ये दोनों ने कल बताया क्या हुआ स्कूल में? फोटो उतारा हमारा, ऐसा बोल रहे थे। इस पूरे चित्रण से अगर कहीं आपको ये लगता है कि मेरे बच्चे बिल्कुल अजूबे हैं या अनोखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैसे ही और बच्चों की तरह हैं। इनके बारे में दावे से मैं एक भी लाइन नहीं कह सकता। हाँ, पर अगर मैं इनके बारे में कुछ कह सकता हूँ तो वो इतना है कि एक आत्मविश्वास उनमें है और किसी चीज़ को मानने के लिए उनके अपने तर्क हैं। पिंटू ने क्या किया था? किताब किसकी थी? सावित्री की। तो सावित्री किताब सावित्री ने मांगी तो क्यों मारा भाई? फिर उसके बाद वहां पर था वो पुस्तक। कहां पर थी सर? उसके मेरे पत्थर नहीं दे रहे थे, उसका पुस्तक उठाया। सावित्री के पास थी जी। तुमने वहां से क्यों उठाई किताब उसकी? हां सर, उसने मेरे पत्थर उठाए थे। पत्थर उठाया था तो तुमने किताब उठाई जी। और फिर इसकी किताब थी तो तुमने इसको क्यों मारा? मारना चाहिए था क्या? नहीं, नहीं मारना चाहिए। तो गलती है क्या? जी। पिंटू की गलती है जी। तो अब गलती है तो क्या किया जाना चाहिए? मुर्गा बेटा। क्या करना चाहिए? नहीं ये बताएगी सावित्री, बताएगी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुर्गा बनना चाहिए। मुर्गा बनाने से क्या होगा? मुर्गा बनाने से काम चल जाएगा जी, और फिर दोबारा करेगा तो अच्छा। मारने से गलती नहीं होती? समझा नहीं। मारने से गलती होती क्या दोबारा? अच्छा एक बार मार पड़ जाती तो दोबारा गलती नहीं करता कोई? नहीं। ऐसा होता है जी। अच्छा हम तो रोज कहते हैं हल्ला नहीं करो, फिर भी हल्ला होता है। हाँ क्या करें? मारने से नहीं होता तो फिर कुछ और सोचो भाई। तो समझने के लिए जरूरी है कि सजा होनी चाहिए? तुम बताओ, सविता बताएगी। सविता बता। हाँ वो बताएगी, तुम्हें नहीं बोलना है। पिटाई करने से समझ में आता है कि ऐसे अच्छे से भी बात करने से समझ में आ जाता है? ऐसे भी कोई बात कहते हैं, कोई समझाता है तो समझ में आता है। हाँ कैसे समझ में आ जाता है? बातचीत से भी समझ में आता है क्या? दसिया दसौंधी दसौंधी बताओ। मतलब पिटाई करने से कोई बात समझ में आती है कि बातचीत से अच्छे से उसको करने से भी समझ में आ जाती है? बातचीत से भी समझ में आ जाती है। हाँ इनका कहना है बातचीत से भी बात समझ में आती है, हमें पिटाई करना जरूरी नहीं है। पिंटू बोलो, मुर्गा बनना है या समझ गए? इस बार छोड़ देते हैं ऐसे क्या भाई? इस बार ऐसे छोड़ देते हैं? ठीक है ऐसे छोड़ दे इस बार, कि सजा देनी चाहिए? अभी तुमसे नहीं पूछ रहे, इधर पूछ रहे हैं। ऐसे छोड़ना चाहिए या सजा देनी चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ठीक है छोड़ देना चाहिए, अब आगे से पिंटू ऐसा नहीं करेगा। ठीक है ना? लीन की चैया में लुटा मिलन वाल, यहाँ लीन की चैया में लुटा मिलन वाल। मेरा नाम सरिता है, मैं गाना लिखा है। नदी किनारे बेला लगा, बेला की पत्ती जर दे यो यार। नदी किनारे बेला लगा, यो बेला की पत्ती जर दे यो यार। मेरा नाम दसौंधी है, मैं गाना लिखा है। लाल साड़ी पल्ला वाले, लाल साड़ी पल्ला वाले रिए, लाल साड़ी पल्ला वाले, लाल साड़ी पल्ला वाले, लाल साड़ी पल्ला वाले रिए, लाल साड़ी पल्ला
ले 370 की साड़ी, 370 की साड़ी रे ये लाल साड़ी पल्लवा।